यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ईच टीम पुल्स द अपोजिट टीम विद इक्वल फोर्स इन ए टग ऑफ वॉर। ठीक है भाई, व्हाई देन वन टीम विंस एंड द अदर लूजेस। हाँ भाई, चलो भाई देखो, है ना ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, मान लो दो बंदे, ये तो अपन अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं भाई। अपन तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे यहीं से स्टार्टिंग होती है अपनी, है ना ठीक है। चलो तो मान लो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, ठीक है चलो। और मान लेते अपनी वही है कि अपनी लाइट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैसी है अपनी, लाइट स्ट्रिंग है ना, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उससे हल्का ना। तो भाई है ना, तुम जितना फोर्स इस पे लगाओगे लाइट स्ट्रिंग पे, है ना, इधर से दूसरा वाला भी उतनी फोर्स लगाएगा ना, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे। सो इज इट बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ईच टीम पुल्स द अपोजिट टीम विद इक्वल फोर्स इन ए टग ऑफ वॉर। पहले तो यही स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? ये वाला सही है, द टीम, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से खींचे हैं, बट दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। पहले तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है। पहले तो भाई कंसेप्ट बिल्कुल क्लैरिफाई होने चाहिए, ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है। ये कहां से निकल के आया है? नेट फोर्स ऑन ए मासलेस पार्टिकल इज जीरो, है ना। पहले तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस इज नॉट न्यूटन थर्ड लॉ। ये वाली बात सही है कि दोनों टीम रस्सी पे बिल्कुल इक्वल फोर्स लगाती है। जैसे ये वाला लड़का इस समय जो फोर्स लगा रहा है रोप पे, वही ये लगा रही है ना, ये जो लड़की है वो भी उतनी फोर्स लगा रही है। ये जो है ना ये जितना फोर्स लगा रहा है लड़का, लड़की भी उतना ही फोर्स लगा रही है। पर फिर है ना, पहले तो ये क्लियर है फोर्स दोनों बराबर लगा रहे हैं, है ना। हाँ, फोर्स दोनों बराबर लगा रहे हैं, बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ये भी ध्यान रखना है कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ से नहीं होता, है ना। ये क्यों होता है? बिकॉज नेट फोर्स ऑन ए मासलेस पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो, तो दोनों तरफ हमेशा फोर्स आएगा। ये सब हमने अपने नोट्स में प्रूव करा हुआ है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे पे, क्वेश्चन ये होता है, अगर दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, Why then one team wins and the other loses? जब ये भी अगर रोप पे मान लो 100 न्यूटन लगा रहा है, ये लड़की भी 100 न्यूटन लगा रही है, हल्क लड़की है ना, दिस हल्क लड़की है ना, हाँ। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये एक एक बंदा जीत रहा है दूसरा हार रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है ना, ऐसा कैसे हो रहा है कि एक जीत रहा है दूसरा हार रहा है जब दोनों बराबर लगा रहे हैं? तो यार इनको सिस्टम कंसिडर करो। देखो जो हारता है जिताता है वो रोप पे वाला फोर्स नहीं होता, है ना। जिन लोगों ने टग ऑफ वॉर खेला उन्हें पता होगा, रोप तो बस तुम्हें छूटने नहीं देना, इतना फोर्स लगाने की रोप छूटे ना, वो पूरे लोग नीचे बैठ जाते हैं। तो क्या कर रहा है वो? अपने डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन ले रहा है ना, अपने डायरेक्शन में फ्रिक्शन ले रहा है। स्लिपिंग कर गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, अगर जो स्लिप करने लगा वो तो हार गया। और ये भी क्या कर रही है, वो ये इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन ले रही है, FS2 FS1। एंड ये लड़की जीत रही है क्योंकि लड़की जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रही है वो लड़के के स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है। देखो ध्यान से, तो जो जिताता है वो रोप पे तुम कितना फोर्स लगा रहे हो वो नहीं, तुम्हें तो बस रोप को छूटने नहीं देना, ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहे हो वो जिताता है। कौन ग्राउंड पे कितना ज्यादा फोर्स लगाएगा वो तुमको जिताएगा। ये इसका इतना ज्यादा फॉर्म होल्ड नहीं है, तो देखो ये स्लिप करता जा, जो भी है आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा ग्राउंड पे, ये लगा पा रही है ज्यादा। समझ में आएगा बात? समझ में आएगा? ये पॉइंट क्लियर है क्या? ग्राउंड पे कौन कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो जीतेगा। तो इस केस में ये लड़की भाई ज्यादा फोर्स लगा रही है ग्राउंड पे, तो ये जीतती जा रही है ना। ग्राउंड पे तुम जितना फोर्स लगाओगे न्यूटन थर्ड लॉ से, ग्राउंड भी तुम पे उतना ही फोर्स लगाएगा और वो जीता था। ये क्लियर है? इट्स नॉट द फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, बट इट्स द फोर्स ऑन द ग्राउंड दैट यू अप्लाई, है ना, टेंजेंशियल टू द सरफेस, व्हिच इज स्टैटिक फ्रिक्शन।